राजीव प्रताप रूटी जी, उनका आरोप सीधा है कि चित भी मेरी पट भी मेरी नहीं चलेगा। यूपी और हरियाणा की सीमाएं पहले सील की थी मुख्यमंत्रियों ने, ये कहते हुए कि हमारा कोरोना का संक्रमण दिल्ली से सारा आ रहा है। अब जब दिल्ली की चिंता दिल्ली के मुख्यमंत्री को सताए तो आपको क्यों परेशानी हो? अंजना जी, मैंने सब बातें सुन ली संजय जी की, और पूरे देश में भिन्न भिन्न राज्यों ने बंदी की, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, आज भी पूरा हिमाचल बंद है। अब आप देख ले, सिक्किम में अभी भी प्रवेश करने की अनुमति नहीं है, वो राज्य सरकार ने अपना अपना निर्णय लिया, और हम पूरे भारतवर्ष के लोगों ने इस बात को स्वीकार किया कि राज्य सरकारें ले रही हैं, राज्य सरकारें वो जो भी निर्णय ले रही हैं वहाँ के लोगों के हित में ले रही हैं। वैसे ही लगता है कि दिल्ली के सरकार ने और केजरीवाल साहब ने भी निर्णय लिया, लेकिन सिर्फ मैं स्मरण अभी से दो मिनट पहले जो वक्तव्य था हमारे संजय भाई का, उसमें ने कहा कि हरियाणा की सरकार ने हम पर बुलडोजर चलवा दिया, हरियाणा की सरकार ने हमारी सड़कें खोल दी, यूपी के सरकार ने, योगी जी ने हमारा बॉर्डर बंद कर दिया, और फलाने ने फलाना कर दिया, और फलाने ने फलाना कर दिया। अब हम प्रतिशोध की स्थिति में हम उनको सबक सिखाएंगे। तो आजकल तो देश के राजनीति में सब राज्य सरकारों की अपनी एक स्वायत्तता है, और उसमें उन्होंने कहा कि अब तब तो आप नहीं बोले, तो अब दिल्ली में जो हमारे आवास पे, आपके आवास पे, हम लोग भी बाहर से आए हुए हैं, हम लोग इनके रहमो करम पर हैं, केजरीवाल साहब के, संजय जी के, क्योंकि ये हमें पीसेंगे, ये हमें पीसेंगे क्योंकि हम यहाँ के नागरिक हैं। और ये इन्होंने कहा कि हम सबक सिखा देंगे, हो सकता है वहाँ बीजेपी की सरकार हो तो उन दोनों सरकारों को सबक सिखाने के लिए आज दिल्ली की जनता को, चाहे जो भी हो, हम हो, आप हो, कोई भी हो, उनको सबक सिखाने का इन्होंने संकल्प ले लिया है, हमें सबक सिखाएंगे, हमें पीसेंगे, हमें कुचलेंगे, ये एक बात है। मुझे याद आ रहा है, और देखिए, इंसान का नेतृत्व का एक मानसिकता होता है, मैं अगर अपने क्षेत्र में गलत करूं तो कहीं ना कहीं मानसिकता भड़कता है। आज से एक साल पहले अरविंद केजरीवाल साहब जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा था कि बिहारी 500 रुपया लेके ट्रेन टिकट कटा के आता है और 5 लाख का ट्रीटमेंट करा के भाग जाता है। भाई चलिए, बिहारियों को तो सब लोग थप्पड़े मारते ही रहते हैं, केजरीवाल साहब को वोट जितने दिखते हैं तो उस समय उनको पूछते हैं, और जब वोट खत्म हो जाता है तो उसके बाद ये, और हम दिल्ली में रहने वाले, हम नेशनल कैपिटल ऑफ दिल्ली की बात करते हैं, रीजन की बात करते हैं, हम इस समस्या से समझते हैं और इस चुनौती को समझते हैं, लेकिन जिस प्रकार से ये व्यवहार होता है, इसे कहते हैं पॉलिटिक्स में वन अपमैनशिप, और उसके बाद इन तमाम बयानों में इनका है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि दिल्ली की सरकार और केजरीवाल सरकार अभी कहते हैं कि मेरे पास वेतन देने के पैसा नहीं है, कहीं इसको अंग्रेजी में ब्लैकमेल टेक्निक तो नहीं कहते कि भैया तुम ना करोगे तो हम तुमको सबक सिखाएंगे, हम दिल्ली में, हमारी सरकार है, तुम भारत की सरकार हो तो क्या हो। ये मानसिक प्रवृत्ति लोकतंत्र का एक खतरनाक स्थिति उत्पन्न कर रहा है। ठीक है, और एक और विषय रखना चाहूं कि ना रखूं, अगर आप अनुमति दे तो रखी दूं, नहीं तो इसके बाद अगर और सवाल पूछेंगे कि इनका रवैया क्या रहा है उसके बारे में, जैसा आप कहेंगे मैडम। ठीक है, मैं थोड़ा सा रुक जाए तो जल्दी से इस पर जवाब ले लेती हूं। रूडी साहब, एक जवाब जल्दी से इस पर ले लेती हूं। वो सीधे कह रहे हैं कि कहीं ब्लैकमेल करने के लिए तो ये सब नहीं कर रहे हैं आप, केंद्र सरकार। संजय जी, देखिए, अंजना ओम कश्यप जी, मैं चाहूंगा कि मेरे मित्र राजीव प्रताप रूढ़ी जी को आप मेरा पूरा बयान फिर से दिखा दें। मैंने एक शब्द भी सबक सिखाने की बात नहीं कही। और जहां तक उत्तर प्रदेश और बिहार की बात आप कर रहे हैं, मैं भी खुद उत्तर प्रदेश से आता हूं, और पिछले जब से लॉकडाउन घोषित किया है प्रधानमंत्री जी ने, लगातार उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों के लिए काम कर रहा हूं। 42 बस अब तक अपने संसाधनों से लोगों से मदद लेके अब तक भेज चुका हूं बिहार और उत्तर प्रदेश के लिए, राशन के लिए, भोजन के लिए, जो काम हम लोगों से बन सकता है, जितनी ताकत है वो कर रहे हैं। रहा सवाल कि जो उत्तर प्रदेश का, बिहार का व्यक्ति, हरियाणा का व्यक्ति दिल्ली में रहता है, उसको आप गौतम बुद्ध नगर में इलाज करने को तैयार नहीं है सिर्फ दिल्ली की आईडी देख के, गाजियाबाद में इलाज करने को तैयार नहीं है सिर्फ दिल्ली की आईडी देख के, हरियाणा में इलाज करने के तैयार नहीं है सिर्फ दिल्ली की आईडी देख के। तो मेरा तो सिर्फ ये आपसे कहना है, बड़ी विनम्रता पूर्वक मैं पूछना चाहता हूं, क्या राष्ट्रीय आपदा के नाम पर भी जो आप पैसा देते हैं उसमें हमें 17.5 रुपए मिलने का हक नहीं है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर दिल्ली में मरीजों की संख्या बढ़ जाएगी, अस्पतालों में मरीज मारे मारे फिरेंगे, तो क्या उस समय भारतीय जनता पार्टी हमें बख्शेगी, चौराहे पर निकलकर हमारे खिलाफ प्रदर्शन करेगी?
केजरीवाल जी के इस्तीफे मांगेगी, आंदोलन करेगी, मोर्चा छेड़ देगी। और सिर्फ यहां का नहीं, रूड़ी जी तो बहुत बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं, पूरे दुनिया का इतिहास उठा के देख लीजिए, न्यूयॉर्क में, अमेरिका में, ब्रिटेन में, इटली में, जहां पर भी मृत्यु ज्यादा हुई उसके पीछे सबसे बड़ा कारण था ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं था, वेंटिलेटर उपलब्ध नहीं था, बेड्स उपलब्ध नहीं थे, इसलिए वहां पे मौतें हुई। वो परिस्थितियां आप दिल्ली में चाहते हैं क्या? ऐसी परिस्थितियां दिल्ली में उत्पन्न ना हो, इसलिए हम ये निर्णय ले रहे हैं। और आपने एक सवाल किया था अंजना जी, मैं भूल गया था उसका उत्तर देने के लिए, कि पहले क्यों नहीं किया, अब क्यों किया जाए। बीजेपी वाले भी कह रहे हैं पहले क्यों नहीं किया, अब क्यों किया जाए। अरे भाई, यही कांग्रेस आपके बारे में कह रही है कि आपने जब लॉकडाउन और सख्त करना था तो आप लॉकडाउन खोल रहे हैं, वही तर्क आप दिल्ली में देते हैं। अरे हमने इस समय फैसला इसलिए लिया, भाजपा के मित्रों से मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि यहां 20,000 केस हो गए, यहां पे विशेष परिस्थितियां उत्पन्न हो रही हैं। हम उस संकट को, उस खतरे को देखते हुए उन विशेष परिस्थितियों में निर्णय ले रहे हैं। और यह मैं समझता हूं कि हर एक मुख्यमंत्री का, हर एक जिम्मेदार नेता का फर्ज है, जिम्मेदारी है, जिसको केजरीवाल जी अदा कर रहे हैं। ठीक है।